अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फ़लयफ़रहू। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशी मनाएं। इस्लाम खुशी का, मुसर्रत का, राज़ी होने का पूरा पूरा मौका फराहम करता है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मौके पर तुम्हें इजहार मुसर्रत करना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन ये कि हमें खुशी के तरीके भी बतलाता है इस्लाम। अब हमने ये किया है कि हमने अपने दुखों का रिश्ता तो अपने दीन के साथ जोड़ लिया है। किसी के इंतकाल पर तो कुरान पाक की तिलावत होती है, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, इसाल सवाब की तकरीबात के अंदर तो तिलावत होती है, नात होती है, वाज़ और नसीहत की मजालस होती हैं। लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो फिर हम दीन से दूर हो जाते हैं। हमने दुख सारे दीन से वाबस्ता कर लिए और सुखों के मौके पर बिल्कुल हम दीन को ना सिर्फ ये कि भूल जाते हैं, बल्कि महसूस होता है कि जैसे हम सिर्फ अपनी बरादरी, कबीले और इलाके के रस्म व रिवाज के पाबंद रह गए हैं। बड़े बड़े हाजी, नमाजी, नेक, अच्छे कहलाने वाले लोग भी थोड़ी सी अदम तवज्जो का इजहार करते हैं और वो चीज़ बड़ी तकलीफ का बायस बनती है कि क्या रब रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता है? माज़अल्लाह, हर कौम कोई ना कोई त्यौहार मनाती है और लोग चूँकि मुआशरा इनफरादी सतह पर भी राज़ी रहना चाहता है और इज्तिमाई माहौल भी फराहम करना चाहता है। कौमें बड़े बड़े त्यौहार मनाती हैं, मेलों का बंदोबस्त करती हैं, दिन मनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों को ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है, ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो ये आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनानी है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना यह है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज, उसके इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है और ईद मना कब रहा है? रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सजदा शुक्र के साथ मनाओगे, अपने रब के साथ जुड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो उसमें कोई शोरों होगा नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बाजा नहीं, अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्म व नस्क का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी जब होगे तो फिर भी तुम अपना सारी झुकाओगे रब की बारगाह, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल आला, फिर भी तुम उसकी बारगाह में जबीने नियाज झुकाओगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें पैगाम में ईद ये है कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तिमाइयत का दिन है। आप जब सफ में खड़े होंगे नमाज ईद के लिए तो क्या अमीरों की सफ़ें अलहदा होंगी, गरीबों की अलग होंगी, क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और अनपढ़ लोगों की अलग होंगी, क्या कबीलों की अलग होंगी और दूसरे कबीले की अलग होंगी? ऐसा नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इज्तिमाइयत का इजहार है, इज्तिमाइयत का ईद का पैगाम, इज्तिमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद खत्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया, गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को, पहले एक सफ में नमाज पढ़ी फिर गले लगाया, छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने लगे। तो ईद ने दूसरा पैगाम इज्तिमाइयत का दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पर, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पर एक हो एक। हजारों कौमें वजूद में आईं दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से।
और इकबाल कहने लगे, अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में गले मिल रहे हैं, इनका एक ही तारुफ है कि ये रसूल हाशमी की कौम है। ये तारुफ इज्तिमाइयत का दर्स, प्यार का दर्स, मुसावात का दर्स, छोटे बड़े के फ़र्क को ख़त्म करने का दर्स, अमीर गरीब की तफरीक मिटाने का दर्स, इसका नाम ईद है। तीसरी बात, आप ये देखें कि कोई भी हमारा मौका है ना, तो इस्लाम ने उस पर कुछ तालीमात दी हैं। अगर आपको अल्लाह बेटा देता है, बेटी देता है, तो उसका अकीका करना है, दूसरों को खाना खिलाना है। अगर अल्लाह ने शादी का मौका दिया तो सुन्नत है वलीमा करना है, लोगों को खाना खिलाना है। अगर बड़ी ईद का मौका आया है तो कुर्बानी रख दी गई है, आप गोश्त करेंगे, उसका एक हिस्सा रिश्तेदारों को देंगे, एक हिस्सा गरीब नादार लोगों को देंगे। और ईद का मौका आया तो सदका फितर रख दिया गया छोटी ईद पर, और साहिब निसाब पर ज़कात भी फ़र्ज कर दी गई, जो बिलउमूम रमज़ान में ही दी जाती है, रमज़ान में ज़्यादातर मुसलमान देने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी जोड़ता है, वो अकेले खुशी नहीं मना रहा, वो दूसरों के साथ अपनी खुशियों को जोड़ रहा है, गरीब को खाना खिला रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दावत बड़ी मलून है, वो बड़ी लानत वाली दावत है कि किसी ने दावत पकाई और सिर्फ अमीरों को दावत दी जाए, गरीबों को ना दी जाए, सियासी अफतारियाँ कराई जाएँ। और वलीमे पर भी अगर अपने बेटे के बुलाया जाए तो अमीर अमीर लोगों को, सियासी लोगों को, बड़े लोगों को दावत दी जाए। दावत तो खैर वाली वो है जिसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब सब शरीक हो। तो ईद के मौके पर भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हम 6 जोड़े ही बनवाएं, 3 जोड़ों से भी गुजारा हो सकता है। उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो कर लें कि जिस घर के अंदर एक जोड़ा भी खरीदना मुश्किल है। हज़रत बशीर बिन उकबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंगे ओहद में शहीद हो गए थे और मैं एक कोने में खड़ा रो रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे दिलासा भी दिया, दस्त शफकत भी रखा। तो मैंने कहा, हुजूर मेरे वालिद चले गए तो क्या बनेगा, तो क्या अंदाज हुजूर ने इख्तियार किया और क्या उन्हें अजीम निस्बतों से नवाज दिया। हुजूर फरमाने लगे, ए बशीर बिन उकबा, तू पसंद नहीं करता कि फातिमा तेरी बहन बन जाए, आयशा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद तेरे वालिद बन जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तकिल तुझे रिश्ते ना दे दिए जाए, मुस्तकिल तुझे सहारा ना दे दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर ही तेरा ख्याल ना रखा जाए, तो ईद पर रमज़ान में बिलउमूम और ईद के बाद भी कोशिश फरमाएं कि आप मुस्तकिल बुनियादों पर गुराबा और मसाकीन का ख्याल करें।